ताइवान पर परमाणु हमला कर सकता है चीन, यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर चीन उठा सकता है यह कदम। क्रॉस स्टेट वॉर गेम्स एक्सरसाइज में यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, संघर्ष का वक्त कम करने के लिए चीन ले सकता है ऐसा फैसला। ताइवान पर बढ़त के लिए चीन के निशाने पर होंगे अमेरिकी बेसिस। तो क्या परमाणु बम गिराएगा ड्रैगन? क्या जो कुछ रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी में चल रहा है, क्या उससे एक लीफ लेते हुए उसने ये सोचा है कि ये मौका है, बातें चल ही रही हैं और मैं उसको करके दिखा देता हूं? अमेरिकी दावा है ये, इस दावे में कितना दम है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स ने क्रॉस स्ट्रेट वॉर गेम्स एक्सरसाइज में ये दावा किया है, अमेरिकी एक्सपर्ट्स का ये दावा कितना अहम है। सबसे पहले जापान और गुआम के यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस को निशाना बनाएगा चीन, जापान में और गुआम में जो है बेसिस है उनको निशाना बनाएगा, और जवाब में अमेरिका सहयोगियों के साथ मिलकर चीनी पोर्ट्स पर हमला करेगा। इससे युद्ध भड़केगा और चीन बड़े कदम उठाएगा, अमेरिकी एक्सपर्ट्स इस बारे में वार्न कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चीन संघर्ष रोकने वाला कोई तीसरा नहीं होगा, ऐसे में संघर्ष लंबा खिंचेगा यह भी कहा गया, और युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए चीन ताइवान पर परमाणु अटैक कर सकता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के सांसद ने भी कहा है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी, वॉर गेम्स के आयोजक, उनकी तरफ से यह चेतावनी दी गई है, और जो इसका सोर्स है वो ताइवान न्यूज है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।